आज माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मनाली विंटर कार्निवल का आगाज उनके द्वारा किया गया है। विंटर कार्निवल मनाली में सबसे पहले हडिम्बा मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद जब झांकियों का फ्लैग ऑफ हुआ और उसके बाद कुल नीचे मनाली में आकर जो परेड हुई उसका भी उन्होंने बहुत प्रभावित हुए जितनी महिला मंडलों ने इसमें भाग लिया। और उसी कड़ी में जब रामबाग मनाली में ऑफिशियली विंटर कार्निवल का आगाज़ हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को प्रत्येक महिला मंडल को जो राशि आज तक 10,000 दी जाती थी वो राशि बढ़ाकर 20,000 दी जाएगी और महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कदम लिया है। मनाली विंटर कार्निवल के इनॉग्रेशन के अवसर पर हम मनाली वासियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सी डिमांड्स रखी, जैसे कि मनाली में जो प्रस्तावित बाईपास है जो मनाली की ट्रैफिक कंजेशन को दूर करेगा उसके लिए सीएम साहब ने अप्रूवल अपनी दी है। मनाली में एक आइस स्केटिंग रिंक खोलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी अप्रूवल दी है। मनाली में ही एक इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल दी है। सोलंग नाला में वेसाइड अमेनिटीज और टॉयलेट्स के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल दी है। उसी कड़ी में जो पैराग्लाइडिंग साइट हमारी डोबी में वहाँ के सभी पायलट्स और स्टेक होल्डर्स की प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो डोबी वाला साइट है पैराग्लाइडिंग की उसे भी सरकारी तंत्र के माध्यम से उस साइट का आगे से संचालन होगा। आपने सभी ने देखा होगा महिलाएं बहुत उत्सुक थी रामबाग में जब माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मनाली का दौरा रहा है वो एक ऐतिहासिक दौरा रहा है। ये दौरा ये दर्शाता है कि प्रदेश में जो नए मुख्यमंत्री आए हैं वो डिलीवर करने वाले मुख्यमंत्री हैं। आज उन्होंने जितनी घोषणाएं यहाँ से की हैं मैं समझता हूँ ये मनाली के लिए एक सौगात देके गए हैं और आने वाले समय में भी हम ये आशा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जब जब वो मनाली आए मनाली को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी मिलके प्रयास करें।